नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 3 में वाल्मीकि का भव्य मंदिर बनेगा। रीवा जिले में वाल्मीकि का ये पहला मंदिर होगा। आज इसका भूमि पूजन किया गया। रीवा में बन रहा पहला वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि जी की होगी स्थापना। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का जिले में पहला भव्य मंदिर बनेगा। रीवा के वार्ड क्रमांक 3 में रीवा शहर के वाल्मीकि समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया है। मंदिर के काम का आगाज भी कर दिया। वाल्मीकि समाज के द्वारा जन सहयोग से वाल्मीकि मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। इस दौरान वार्ड के साथ साथ वाल्मीकि समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। निर्माणकर्ताओं ने बताया कि ये सौभाग्य की बात है, वाल्मीकि जी का पहला मंदिर वार्ड क्रमांक 3 में बनेगा, जो सबके सहयोग से निर्मित होगा, जिसमें सभी समाज के लोग सहयोग देंगे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का मूर्ति की स्थापना की जाएगी। हम आपको बता दें, वाल्मीकि डाकू थे। उनके बचपन का नाम रत्नाकर था। उनके पिता प्रचेता थे, जिन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है। बचपन में ही एक भीलनी ने रत्नाकर को चुराकर उसका पालन पोषण किया। रत्नाकर अपने परिवार का गुजारा करने के लिए डाकू बन गए। बड़ी रोचक है कहानी रत्नाकर के वाल्मीकि बनने की, रामायण लिखने की। एक बार रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़कर बंदी बना लिया, उनसे पैसे मांगे। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा, ये काम क्यों करते हो? तुम्हारे पाप में क्या तुम्हारा परिवार भी सहभागी होगा? रत्नाकर ने कहा, बिल्कुल होगा। तब नारद जी ने कहा, एक बार परिवार से पूछ लो। वाल्मीकि ने जब परिवार से पूछा तो उन्हें साफ मना कर दिया, हम आपके पाप में सहभागी नहीं बन सकते। आप क्यों डाकू बने हो, क्यों लूटपाट करते हो? तब रत्नाकर ने नारद जी से पूछा, अब मैं क्या करूं, परिवार मेरे साथ नहीं है। नारद जी ने उन्हें भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के नाम पर राम राम जपने की सलाह दे दी। रत्नाकर एक जगह बैठ गए और तप करने लगे, ध्यान लगाकर राम राम कहने लगे। थोड़ी देर में उनके मुंह से मरा मरा निकलने लगा, जिसकी वजह से उनका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया। उनके शरीर में चींटियां लग गईं। माना जाता है ये सब उनके पुराने पापों का प्रायश्चित था, जो उन्होंने डाकू के रूप में किए। उसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके चलते उन्होंने रामायण के 23,000 श्लोक लिख डाले। हम आपको बता दें, रामायण में 23,000 श्लोक में लिखे गए हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, हर साल अश्विन पूर्णिमा 9 अक्टूबर को वाल्मीकि जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। रत्नाकर बाद में वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। यही नहीं, उन्होंने भगवान राम सीता लव कुश को अपने आश्रम में रखा। लव कुश को उन्होंने शिक्षा भी दी थी। ये थी रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की कहानी, जिनके नाम से रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 3 में जिले का पहला मंदिर बनाने का निर्णय किया है वाल्मीकि समाज के लोगों ने। हमने कुछ लोगों से बात की। वार्ड क्रमांक 3 में वाल्मीकि समाज का अपने रीवा जिले का पहला मंदिर ऐसा स्थापित हो रहा, यह गौरव की बात है कि हमारा वाल्मीकि समाज का मंदिर अब वो भी हमारे वार्ड नंबर 3 में बन रहा है। बहुत ही हर्ष की बात है, हम लोग बड़ी प्रसन्नता है हम लोगों को। और पूरे यहाँ वाल्मीकि समाज के सभी अपने वरिष्ठ लोग हैं, सभी छोटे बड़े सभी समाज के लोग, मुखिया हैं, मुखिया जी भी हैं, बुद्ध सिंह जी हैं, परोसिया जी, तो सभी अपने वार्ड के हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर बनेगा, जो जिससे सहयोग होगा, हम आशा करते हैं कि सभी वर्ग के लोग इसमें सहयोग दें और उसको कार्य को सफल बनाएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।